मन की बात के स्पेशल कार्यक्रम में आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी हमारे साथ हैं। पिछले कुछ महीनों से मन की बात मैं आपसे करता आया हूं, लेकिन आज देश के भिन्न भिन्न कोने से बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल राजनीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है, आर्थिक नीति से संबंधित है, लेकिन कुछ सवाल वो है जो दिल को छूने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि आज हमें उन सवालों को स्पर्श करने से हम देश के कोने कोने में एक सामान्य मानवी तक पहुंच पाएंगे। और इसलिए जो पत्रकार वार्ताओं में उठाए जाने वाले सवाल हैं या जो मीटिंगों में चर्चा में आने वाले सवाल है, उसके बजाय जो दिल से निकलने वाली बातें हैं उसको अगर हम दोहराते हैं, उसको अगर गुनगुनाते हैं, तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि ये सवाल मेरे दृष्टि से ज्यादा अहम रखते हैं। आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, बराक का अर्थ क्या है? तो मैं जो है ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है, तो स्वाहिली भाषा जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है, स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, वन हुज ब्लेस्ड। मैं समझता हूं ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज उबंटू के प्राचीन विचार का अनुकरण करती आई है। यह विचार मानवता में एकजुटता का विचार है और वो कहते हैं आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम है। मैं समझता हूं सदियों का भी अंतर है, सीमाओं का भी अंतर है, उसके बावजूद भी वही भाव जो भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वही भाव दूर सुदूर अफ्रीका के जंगलों से भी उगते हैं। तो ये कितनी बड़ी विरासत हम मानव जात के पास हैं जो हमें जोड़ती है। जब हम महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो हमें हेनरी थोरू की बात याद आती है जिनसे महात्मा गांधी डिसोबीडियंस सीखे थे। और जब हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं या ओबामा की बात करते हैं तो उनके मुंह से भी महात्मा गांधी का आदरपूर्वक उल्लेख सुनने को मिलता है। यही बातें हैं जो विश्व को जोड़ती हैं। आज बराक ओबामा हमारे साथ हैं। मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमें बताएं, बाद में जो सवाल आए हैं वो सवाल जो मेरे लिए सवाल आए हैं उसका जवाब मैं दूंगा, जो बराक के लिए सवाल आए हैं उनका जवाब बराक देंगे। तो मैं आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट बराक ओबामा टू से फ्यू वर्ड्स। नमस्ते, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड फॉर द इनक्रेडिबल हॉस्पिटैलिटी यू शोन मी एंड my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American president together, so we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. We just came from discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners because we have so much in common. We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering individuals. We are linked together by millions of proud Indian Americans who still have family and carry on traditions from India, and I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries.
People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy, and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners. Because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. It gives us a chance to reaffirm what Gandhiji reminded us should be a central aim of our lives, and that is we should endeavor to see God through service of humanity, because God is in everyone. So these shared values, these convictions, are a large part of why I'm so committed to this relationship. I believe that if the United States and India join together on the world stage around these values, then not only will our peoples be better off, but I think the world will be more prosperous and more peaceful and more secure for the future. So thank you so much, Mr. Prime Minister, for giving me this opportunity to be with you here today. Barak, the first question comes from Raj from Mumbai. उनका सवाल है, अपनी बेटियों के लिए आपके स्नेह के बारे में सारी दुनिया जानती है, अपनी बेटियों को आप भारत के बारे में अपने अनुभव कैसे बताएंगे? क्या आप उनके लिए कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं? Well, first of all, they very much wanted to come. They are fascinated by India. Unfortunately, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't leave school. And in fact, Maria had, my older daughter had exams just recently. So they are fascinated by the culture and the history of India, in part because of my influence, I think. They are deeply moved by India's movement to independence and the role that Gandhi played in not only the non-violent strategies here in India, but how those ended up influencing the non-violent civil rights movement in the United States. So when I go back, I'm going to tell them that India is as magnificent as they imagined, and I am quite sure they're going to have to that they're going to insist that I bring them back the next time I visit. It may not be during my presidency, but afterwards they'll definitely want to come and visit. And I will definitely do some shopping for them, although I can't go to the stores myself, so I have to have my team do the shopping for me. And I'll get some advice from Michelle, because she probably has a better sense of what they would like. बराग ने कहा वो बेटियों को लेकर आएंगे. मेरा आपको निमंत्रण है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी आए या राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद आए. भारत आपका और आपकी बेटियों का स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं. मुझे एक सवाल पुणे से सानिका दीवान जी ने पूछा है, महाराष्ट्र पुणे से. उन्होंने मुझे पूछा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शुरू किया है, क्या उसमें भी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा की मदद मांगी है क्या? सानिका, आपने अच्छा सवाल पूछा है. भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है. 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है, और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है. प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में प्रेरणा है. जिस प्रकार से अपने दो बेटियों का लालन पालन करते हैं, जिस प्रकार से अपने दो बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है
परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती है, और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं, इतना गौरव देते हैं, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं समझता हूं ये प्रेरणा ही हमारी ताकत है। और आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है, मानवीय जिम्मेवारी है, इसको हमें निभाना चाहिए। बड़ा का आपके लिए एक क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रेसिडेंट ओबामा कम्स थ्रू ईमेल। डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, ए डॉक्टर बेज इन अहमदाबाद गुजरात। आपकी पत्नी मोटापे और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में व्यापक सामाजिक कार्य कर रही है। भारत में भी ये चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। क्या आप और फर्स्ट लेडी, आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के नाते समाप्त होने के बाद इन चुनौतियों को निपटने के कार्य के लिए भारत आएंगे, जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स भारत में स्वच्छता को लेकर के काम कर रहे हैं, आप भी डायबिटीज और मोटापेपन के लिए काम करेंगे क्या? Well, we very much look forward to partnering with organizations and the government and non-governmental organizations here in India around broader public health issues, including the issue of obesity. I'm very proud of the work that Michelle has done on this issue. We're seeing a worldwide epidemic of obesity, in many cases starting at a very young age. Part of it has to do with the increase in processed foods, not naturally prepared. Part of it is the lack of activity for too many children. And once they're on this path, it can lead to a lifetime of health challenges. And so this is an issue that we'd like to work on internationally. Including here in India, and it is part of a broader set of issues around global health that we need to address. The Prime Minister and I have discussed, for example, how we can do a better job in dealing with issues like pandemic and making sure that we have good alert systems so that if a disease like Ebola or a deadly flu virus or polio appears, that it's detected quickly and then treated quickly so that it doesn't spread. And the public health infrastructure around the world needs to be improved. I think the Prime Minister is doing a great job in focusing on these issues here in India. And India has a lot to teach many other countries who may not be advancing as rapidly in improving this public health sector. But it has an impact on everything, because if children are sick, they can't concentrate in school, and they fall behind. It has a huge economic impact on the countries involved. And so we think that there's a lot of progress to be made here, and I'm very excited about the possibilities of continuing this work even after I leave office. मुझे एक सवाल श्रीमान अर्जुन ने पूछा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मैंने व्हाइट हाउस के बाहर एक पर्यटक के रूप में आपकी एक पुरानी फोटो देखी है, जब आप बीते दिनों सितंबर में वहां गए तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई? ये बात सही है कि मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था, तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तब जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है, और प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी, वो किताब